पीछे आ जाए आगे रखिए।
वैसे अगर आपका हुक्म हो जाए तो मैं ले जा सकता हूँ। नादिया क्या कह रहे हो? मैंने बस नहीं कहा बोले बाबा, आपकी आज्ञा के अनुसार ही ले जा सकता हूँ। गुरु हृदय से मेरे बस का रोग नहीं है। माता जी इतना देख करके और नादिया कहने लगा है, माता जी आप कहो ना। बोले बाबा एकदम मुस्कुराने लगे और कहने लगे, इच्छा आपकी है, मैं नहीं जा सकता। अगर हट करती हो चली जाओ इतना देर। उधर क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, सती जी वहां पहुंचती है। जला तुम पाओगे जले हुए को जलाना भी उचित नहीं दिखाई देता है, इसलिए इन्हीं जगत माता के शरीर से कुछ मुख्य तीर्थ बनाने की इच्छा है। भगवान विष्णु कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे जैसे आपकी इच्छा। तो विष्णु ने चक्र चलाया और 51 टुकड़े हुए सती के शरीर के, जानते हो वो टुकड़े कहाँ कहाँ गिरे? जैसे हरिद्वार, नीमसार, काशी, मथुरा, अयोध्या, अमरनाथ, बटेश्वर आदि तीर्थ स्थल बने। तो आइए, उमा जन्म की कथा सुनो मेरे ददाया जो चितलाई। और हेमांचल घर आज रे छोटी सी कन्या, अरे मात मेरी आई भगवती आई भगवती आई, हेमांचल घर आज रे छोटी सी कन्या आई। सुनो धर ध्यान जगत महामाई, और आसमान से देवता तब कुछ पर बरसाई। जब आसमान से और राजा हिमांचल गोद में कन्या को उठाए जब लियो, और राजा हिमांचल या कन्या को गोद में लियो, और बार बार पुचकार रे छाती से लगाए बलियो। बार बार क्या आज मेरे घर में अवतारी, और धन्य धन्य मेरे भाग्य आए गई मेरे घर अवतारी। मेरे राजा जी मैं आगे तो बड़ी है, मेरे राजा जी छोटी सी कन्या घर में आए गई, मुख देख ना उला जाए मेरे स्वामी जी छोटी सी कन्या घर में। अब क्या हुआ, इधर पार्वती जी का जन्म होता है, जगदम्बे मैया अवतार लेती है मैना के घर में। राजा हिमांचल को